नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल प्रकाश से जुटेक में। तो AKTU रिजल्ट COP का डिक्लेयर करे, इसके रिगार्डिंग ट्विटर पे ट्वीट किया है और क्या ट्वीट किया है, सारी चीज़ों पे बात करूंगा। साथ ही रिजल्ट को लेकर AKTU में मैंने आपसे कहा था पिछले कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है मेरी, और सच में नहीं हुई थी और वीडियोज़ इसीलिए नहीं प्रॉपर आ रही थी, लेकिन मैंने आज इसके रिगार्डिंग बातचीत किया और उन्होंने क्या कहा है कि एग्जैक्ट कब तक डिले होगा, क्यों डिले हो रहा है, रिजल्ट क्या अगस्त में आएगा भी कि सितंबर तक जाएगा, सारी चीज़ों पे बात करूँगा। छात्र काफ़ी हताश हो चुके हैं क्योंकि कई छात्रों के जॉब पे अब खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं कई छात्रों के एडमिशन को लेकर काफ़ी संशय जो है वो बना हुआ है। सारी चीज़ों को एक साथ कवर करूँगा, लेकिन उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐसी अपडेट आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कल की आज मॉर्निंग में कुछ घंटे पहले मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है कि हज़ारों छात्र कैरियर पेपर के रिजल्ट का महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, मगर यूनिवर्सिटी नाकाम है। यूनिवर्सिटी को टैग करते हुए उनके फ्यूचर का सवाल है, जल्दी से जल्दी पेंडिंग पड़े सारे रिजल्ट्स को डिक्लेयर करें। इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी में मैंने ट्वीट भी किया है, बातचीत भी किया है, और हालांकि ट्वीट पे कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ होता है कि जो ट्वीट है वो AKTU प्रॉपर निगरानी में करता है, क्योंकि कई ऐसे मैंने ट्वीट किए हुआ है इसका रिकॉर्ड, जो छात्र पुराने व्यूअर्स हैं उनको मालूम है कि उसको AKTU संज्ञान में लेके उस कार्य को एक दो दिन के अंदर करता है। मगर COP के केस में ट्वीट जो है वो फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैंने बातचीत किया तो निष्कर्ष ये निकला कि पिछले 15 दिन पहले जो AKTU के कर्मचारी कह रहे थे, आज भी वही बात, वही सेम राग अलाप रहे हैं। और राग क्या है कि कॉपियां चेक की जा चुकी हैं, अपडेटिंग का काम चल रहा है। मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, भाई आप 15 दिन पहले भी रिजल्ट अपडेट कर रहे थे, आज 15 दिन बाद भी रिजल्ट ही अपडेट कर रहे हो, कल को क्या पता 15 दिन बाद फिर कहो कि रिजल्ट ही अपडेटिंग का काम चल रहा है। यानी कि रिज़ल्ट क्या होता है पूरा समझो पहले आप, पहले क्या होता है रिज़ल्ट अपडेटिंग का काम होता है, कॉपी चेकिंग का, कॉपी चेक हो गया उसके बाद फिर रिज़ल्ट अपडेट किया जाता है, अपलोड किया जाता है आपके वन व्यू पर, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है AKTU की तरफ से। मगर AKTU कह रहा है कि पिछले 15 दिनों से COP के छात्रों का रिज़ल्ट अपडेट हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। और अभी की असलियत ये है कि AKTU ने रिज़ल्ट अपडेटिंग का काम COP का स्टार्ट ही नहीं किया है। जी हाँ, एक चौंकाने वाला अपडेट है, मैंने भी पिछले 2-3 वीडियो में ये बातें बता दी थी क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने वो बताया, मगर आज जब मैंने सारा कुछ डिटेल में बातचीत किया अच्छे से, तो उनका कहना है कि कॉपियां तो चेक की जा चुकी हैं मगर अपडेटिंग का काम 1-2 दिन में शुरू होगा और 10 दिन का वक्त अभी भी लग सकता है COP के कम्प्लीट रिज़ल्ट जारी करने को लेकर। उन्होंने कहा क्या कहा कि अभी भी 10 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि रेगुलर के जो बचे हुए रिजल्ट हैं, जो भी छात्र हों थर्ड ईयर के, BR के, BTEC के, BPharm के, उन छात्रों का जो रिज़ल्ट है वो इसी के बीच में डिक्लेयर कर देगा AKTU। जी हाँ, रेगुलर के छात्रों का रिज़ल्ट COP के पहले डिक्लेयर करने की पूरी जो बात है, पूरा इंतज़ाम जो है उसको पुख्ता कर लिया गया है। और COP के रिज़ल्ट में कम्प्लीट रिज़ल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक रिज़ल्ट आ जाए, एक रिज़ल्ट एक हफ्ते बाद, कंप्लीट रिज़ल्ट 10 दिन के अंदर जारी होगा, यानी कि लंबा वक्त अभी भी लग सकता है। तो उन छात्रों के लिए काफ़ी निराशा है जो बेचारे पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज किए हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया तो जॉब चली जाएगी, हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तमाम सारी समस्याएँ। कुछ कमेंट्स आप लोग देख लो, जैसे छात्र काफ़ी परेशान हैं और बात इनका छात्रों का भी सही है, भाई आप यूनिवर्सिटी हो, आपने एग्ज़ाम करा लिया, 1-2 महीने बहुत हुआ, 3-4 महीने के अंदर जारी कर दो, मान लेते हैं भाई कोई प्रॉब्लम हुई 3-4 महीने, अब 8 महीना का वक्त बीत गया, अभी तक रिज़ल्ट को लेकर वही सन्नाटा छाया हुआ है, जो कि सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो भी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, वो AKTU पर चाप चढ़ाएं, कुलपति को डांटें, मतलब एक तरीके से कि भाई कर क्या रहे हो आप, यूनिवर्सिटी चला रहे हो, सिस्टम को अगर आप दोबारा से पटरी पर नहीं ला पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलती तो उन्हीं की है। और खामियाजा छात्र क्यों भुगते, वो तो फीस भी दे रहा है, वो तो टाइम से एग्ज़ाम भी दे रहा है, उसको जो करना है वो कर रहा है, तो जो काम आपका है यूनिवर्सिटी वालों उसको करो। तो ओवरऑल यही है कि ट्वीट किया मैंने और छात्र तो कह रहे हैं कि AKTU चलने को लेकर, लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं होंगी, मेरी तरफ से जो भी हर संभव प्रयास है वो किया जा रहा है। रिजल्ट को लेकर जो ऑनेस्ट बातें थी वो मैंने बता दी,
कुछ छात्रों की नाराज़गी होगी। तो सर इतने दिन पहले से आप क्या कह रहे थे? देखो मेरा काम है अपडेट देना, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं वही आपसे बता देता हूँ। आप लोगों का भर भर के रिक्वेस्ट आता है कि वीडियो सर आप प्रॉपर डालो, फिर भी मैं दूसरे तीसरे जब भी टाइम मिलता है वीडियो डाल देता हूँ। और रही बात दूसरा ये कि AKTU खुद क्लियर नहीं कर पा रहा है, खुद कन्फ्यूज है, लेकिन आज मैंने बातचीत किया है, निष्कर्ष जो भी मैंने वीडियो में बताया वही चीज़ें हो जाएंगी। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर ही रिज़ल्ट आ जाए, जिससे कि छात्रों को काफ़ी आराम महसूस हो, यानी कि जो हेडेक एक जहन में काफ़ी टेंशन हो जाता है, पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे, फिर से तो बैक नहीं लगेगा, ऐसे कई सारे सवाल का जो उमड़ना है वो लाजमी है, क्योंकि वो भी एक छात्र है और मैं भी कभी छात्र रह चुका हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस अच्छे से है कि एक छात्र रिज़ल्ट को लेकर कितना परेशान होता है, लेकिन मेरा कभी बैक नहीं लगा है। चलो वो अलग बात हो गई, तो फिर किसी वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा। कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर कवर कर दिया जाएगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।